नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बेहद ही असरदार, एक बेहद ही कारगर नुस्खा लेके आया हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप अपने फटी इंडियों की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकेंगे। दोस्तों फटी हुई इंडियों का बहुत से कारण हो सकता है, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी और हमें धूल मिट्टी के कॉन्टैक्ट में हमारे इंडियों को आ जाना। दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कभी कभी पैर धोना भूल जाते हैं, उसके वजह से हमारे इंडियों के ऊपर जो डस्ट होते हैं उसके वजह से इंडिया फट जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे घरेलू नुस्खा लेकर आया हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने फटी हुई इंडियों की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमें इस नुस्खे को किस प्रकार से तैयार करने हैं। दोस्तों इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर चीज लेना है, वो है दोस्तों कोलगेट। जी हाँ, ये कोलगेट आपको बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों इस कोलगेट में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि फटी हुई एड़ियों की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा दिलाने में हमारी मदद करते हैं। तो आपको यहाँ पर मात्र उतना ही कोलगेट का इस्तेमाल करना है जितना कि आप डेली ब्रश में करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें ले लिया कोलगेट। इसके बाद से हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे, वो है दोस्तों विटामिन ए की गोली। जी हाँ, ये आपको मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये हमारी फटी हुई एड़ियों की जो फटी हुई त्वचा होती है उन्हें ये मुलायम बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो आपको यहाँ पर लगभग 2 विटामिन ई की गोली इसमें ऐड करना है, इसका जेल आपको इसमें निकाल लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपको 2 कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। इसके बाद से हम इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे, वो है दोस्तों नारियल तेल। जी हाँ, कोकोनट ऑयल। दोस्तों इस नारियल तेल में विटामिन ई पाया जाता है जो कि हमारे त्वचा को बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम रखता है, साथ ही साथ आपकी जो फटी हुई एड़ियाँ है उस त्वचा को बिल्कुल मुलायम कर देता है। अगर आपकी एड़ियों से खून आता है तो आप इस नारियल के तेल को हल्का गर्म करके आप अपने फटी हुई एड़ियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके मदद से हमारी जो फटी हुई एड़ियों से ब्लड निकलता है वो बिल्कुल रुक जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर मात्र आधी चम्मच की मात्रा में इस नारियल के तेल को भी इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद से हम क्या करते हैं कि हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपके फटे हुई एड़ियों से खून निकलता है वो तो खून बिल्कुल रुक जाएगा, साथ ही साथ आपकी जो फटी हुई एड़ियों में दर्द होता है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस नुस्खे को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। दोस्तों उसके पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको इस नुस्खे का अगर इस्तेमाल करना हो उसके पहले आप 5 से 10 मिनट तक आप अपने फटी हुई एड़ियों को यानी कि पैर को आप गुनगुने पानी की मदद से धो लें। दोस्तों गुनगुने पानी की मदद से धोने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो फटी हुई एड़ियाँ है उसके अंदर जो भी धूल मिट्टी कण डस्ट वगैरह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद से आप किसी कपड़े की सहायता से पोंछ ले और पोंछने के बाद से आप इस पेस्ट को रात में अपनी फटी हुई एड़ियों के ऊपर लगाएं और लगाने के 5 से 10 मिनट के बाद आप सॉक्स यानी कि मोजे पहनकर और आप रात्रि में सो जाएं। दोस्तों उसके बाद से आप सुबह उठकर देखेंगे कि आपकी जो भी फटी हुई एड़ियाँ है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आपकी एड़ियों में दर्द भी ख़त्म हो चुका है, आपकी एड़ियों से जो खून निकलता है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों हमारी जानकारी यहीं तक। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।